कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव लाइफ विद कुलविंदर में। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, दोपहर के खाने में मैं क्या बना रही हूँ। ये मैंने मिक्स आटा लिया है 2 कटोरी और 1 कटोरी लिया है गेहूँ का आटा, और इसमें मैंने बहुत सारी हरी चीज़ें डाली हैं। इसमें मैंने मेथी डाली है और थोड़ी पालक डाली है, हरा धनिया डाला है, हरा प्याज डाला है, और बाकी जो है मसाले सारे डाले हैं। नमक, हाँ हरी मिर्च डाली है 2 बड़ी 2 छोटी, नमक डाला है, जीरा अजवाइन डाला, सब डाल के मैंने आटा गूंद लिया है। और ये हाँ थोड़ी हल्दी भी डाली है। तो ये मैंने क्योंकि है ना कल रात को बहुत सारी हरी सब्जियाँ आ गई थी तो यूज़ तो करनी है ना मुझे, इसलिए फिर मैंने सोचा ये वाला हेल्दी परांठा बनाया जाए, साथ में बूंदी वाला दही भी बना लिया, ये देख लीजिए। ठीक है तो बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं परांठा। रात को मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, बस इतनी सी बची है, अभी मैं आज रात खा लेंगे दोनों आधी आधी। ठीक है, और ये बन रहे हैं हमारे परांठे। ठीक है, एक ही साइड घी लगाया, 2 साइड नहीं लगाया, यहाँ एक और बेला हुआ है। बस 2 स्वाति के बनेंगे, 3 मेरे बनेंगे, और जो है कि पापा को मैंने बना दिए थे, वो खाना खा के जा चुके हैं हॉस्पिटल, उनको अल्ट्रासाउंड कराना था आज, और उसके बाद शहर ऑफिस जाएंगे। देखो क्या क्या करते हैं, मैंने उनको खाना खा के भेज दिया। तो व्यूअर्स, आज 17 तारीख है, शाम का टाइम है, शाम के 7:20 हो गए। आज का दिन छोटे हो गए हैं, फटाफट दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं हस्बैंड गए थे आज हॉस्पिटल, 2 बजे उनको मैंने खाना खिला के भेज दिया था, और बेचारे 6 बजे आए हैं कह रहे 2 घंटे उन्होंने मिठाई रखा, पानी पिलाते रहे अल्ट्रासाउंड के लिए, पर हो गया उनका अल्ट्रासाउंड। अब मेरी रिपोर्ट भी ले आए, मैंने अपनी रिपोर्ट देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, कई जगह नॉर्मल लिखा है, कई जगह कुछ गड़बड़ है, तो कुछ पता नहीं लग रहा है। दोनों रिपोर्टें ले आए, डेक्सा स्कैन की भी, MRI की, दोनों की रिपोर्ट आ गई, मैंने देख ली है, कल डॉक्टर को दिखाऊंगी, वही सही से बताएंगे, क्योंकि कई चीज़ें ना हम लोगों को पता नहीं लगती। ठीक है, और बाकी जो है मैं समोसा वो खुद खाए थे, मेरे लिए ले आए, स्वाति ने खाने से मना कर दिया था, वो नहीं खाएगी, तो फिर मेरे लिए ले आए थे। अभी थोड़ा थोड़ा गर्म ही है, काफ़ी देर से ला रखा है, मैं कुछ काम ही कर रही थी, एक तो वो बाथरूम में कुछ सफाई करनी थी वो कर रही थी, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करे, मुँह हाथ धोया अच्छे से, फिर अब मैं आ गई हूँ रात का किचन में काम करने के लिए। तो पहले खाऊंगी समोसा, फिर पीऊँगी चाय, उसके बाद स्वाति को, मैं स्वाति को लग रही थी भूख, उसको मैं एप्पल और अनार दे आई हूँ काट के, 2 एप्पल काट दिए उसको और एक थोड़ा सा अनार पड़ा था मेरा कटा हुआ वो दे दिया उसको मैंने, उसका काम हो जाएगा अभी। वो पता है क्या मांग रही है, वो कह रही है मेरे को आलू के चिप्स, वो आलू के नहीं केले वाले चिप्स दो। मैं कब, यहाँ के डिब्बे में तो खत्म हो गए, वहाँ से पैकेट निकालना पड़ेगा, मैं कभी बाद में निकाल के देती हूँ, तो पहले मैं समोसा खा लूँ, चाय पी लूँ, फिर काम करते हैं रात के किचन के शुरू। और तड़का लगा लेते हैं कढ़ी को, प्याज वगैरह कट गए सारे, प्याज, हरी मिर्च, हरा वाला प्याज भी काट दिया, 2 बड़ी हरी मिर्चें, 2 छोटी हरी मिर्चें कट गई, ये पड़ी है मेथी, हींग, और ये मैंने पालक छोटी छोटी काट ली है और धो लिया है। चलो शुरू कर लेते हैं हम बनाना कढ़ी। सबसे पहले घी डाल दिया था मैंने, घी में डाल दिया थोड़ा सा हमने जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी मेथी, ठीक है, थोड़ी सी कलौंजी, मैं कलौंजी हर बार डाल लेती हूँ इसमें, अच्छी लगती है मुझे कलौंजी। ठीक है, तो डल गया सब कुछ, अब मैं इसमें बाकी के मसाले भी डाल ही लेती हूँ। नमक गैस में स्लो कर देती हूँ, ज़रा गैस तो पहले ही स्लो है, नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार, कम हुआ तो बाद में और डल जाएगा, मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हरा धनिया ये वाला डाल देती हूँ, बाकी भी दूसरा भी डालूंगी, ये सूखा धनिया हरा भी डालूंगी। ठीक है, थोड़ा सा गर्म मसाले की ज़रूरत नहीं है, चलो छोड़ो हर चीज़ में क्या गर्म मसाला डालना, हल्दी डाल लेते हैं, हल्दी की तो ज़रूरत है बस। अब जो है ना हरा धनिया डालना बाद में डलेगा, जब बन जाएगी लास्ट में डालूंगी, इसको पहले हिला लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा भून लेते हैं। आज पहली बार मैं ना बहुत टाइम बाद मतलब पालक वाली बना रही हूँ, ज़्यादातर मैं तो वो बनाती हूँ वाली आलू वाली, आज पास सारे हरे पत्ते वाली चीज़ें थी तो मैंने कहा चलो पालक वाली बना लेते, वैसे इसमें बथुआ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, बताओ। चलो डालो ये सारे, इसमें अदरक है, हरा वाला प्याज था, दूसरा बड़ा वाला प्याज, देखिए कितना सारा मसाला है ना, हरा प्याज, दूसरा प्याज, हरी मिर्च, तो अच्छे से हम भून लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें पालक डाल के थोड़ा भून लूँगी, बाद में मैं फिर उसमें वो डाल दूँगी कढ़ी का जो मैंने बैटर तैयार किया हुआ है, ये बड़ा कढ़ी का बैटर, मेरा कढ़ी का बैटर, थोड़ा सा दही एक्स्ट्रा भी है वो भी डालूँगी, ये सब दोनों चीज़ खट्टे हैं दही, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। अभी पता मैंने वो मंगवाया है, मंगवाया मैंने चावल 5 किलो,
साठ वाले पर चावल थे, 65 के हो गए, महंगे हो गए फिर। और अभी अभी आए हैं चावल। और 1 किलो मक्की का आटा मंगवाया और 1 किलो सूजी मंगवाई है। सास मान आ गया, अभी डालना है डिब्बों में। पहले मैं खाना बना लूँ, बाद में डालती। चावल तो मैं आज वाइट वाले बनाऊँगी। 3-4 दिन से ना हम लगातार, पता नहीं हफ्ता हो गया, हफ्ते से ब्राउन राइस खा रहे हैं। आज वाइट चावल बनेंगे, चेंज करके बनाओ तो अच्छे भी लगते हैं। चलो इसको हम हिला लेते हैं अच्छे से और इसको बढ़िया सा तड़का लगा लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल हरी सब्ज़ियाँ आ रही हैं बाज़ार में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ यूज़ करो। उससे मेहनत तो है पर फिर भी यूज़ करो तो अच्छी बात है। लीजिए व्यूअर्स, हमारी पालक वाली कढ़ी बन के तैयार है। ये देखिए, इसमें ना नमक थोड़ा सा कम था, वो मैंने डाला है। बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं, मेरा ठीक है बिल्कुल। क्योंकि 2 बड़ी मिर्ची है, 2 छोटी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। बढ़िया कढ़ी बन गई एकदम। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, मुझे गैस बंद कर देनी चाहिए और चावलों की तैयारी करनी चाहिए। चावल ये देखिए निकाल लिए, अभी धोती हूँ मैं इनको। गैस बंद, कढ़ी तैयार। सारा काम कर लिया, मैं थक गई बहुत। इसमें मैंने डाली है पालक धो के, और बथुआ और मेथी, तीनों चीज़ें डल गई हैं, धो धो के डाल दी हैं। 1 गिलास पानी डाला है। अब इसको 2 सीटियाँ मरवानी है। कुकर बंद करने लगी हूँ। इधर चावल तैयार हो गए हैं मेरे, ये भी खुल गया। चलो चावल भी तैयार हैं, इधर मेरी कढ़ी भी तैयार है। मैं सब खाना डाल के देती हूँ। पहले थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर लूँ, फिर कर देती हूँ खाना डाल के। कितनी गल के थोड़ी सी रह गई, देखने में इतनी सारी थी ना, गल के थोड़ी सी रह गई। चलो चावल का फ्लेवर तो आ ही गया, मैं इसमें ये डाल लेती हूँ बेसन। बेसन का घोल डाल के फिर हम पानी डाल देते हैं इसमें, ठीक है। गैस स्लो कर लेते हैं, बेसन डाल देंगे ना। लो जी, अब इसमें पानी डाल लेंगे जितनी ज़रूरत है। अब इसमें पानी मिक्स करके डालते हैं। थोड़ा सा दही ये भी खट्टा दूँ, ये भी डाल लेते हैं। मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, पहले इसको जल्दी से। अब इसमें पानी वगैरह ऐड कर लेते हैं। गैस स्लो ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। पानी ऐड कर, कढ़ी चावल बन गए हैं। ये देखिए, ये भी खा रहे हैं बैठ के। बस मेरा वो हरा प्याज रह गया है, और वो एक रह गया सोया वाला, जो वो पत्ते हैं ना वो रह गए बस। बाकी तो मैंने 2 सीटियाँ बच गई थी कुकर की, वो देखो सामने, मैंने गैस बंद कर दी। अब जो भी करना है उसका सुबह करेंगे। उससे कल सुबह 2 चीज़ें बनानी है मैंने, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं आपसे, तब तक टाटा बाय। Oh, 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 oh